जनपद के कुंडा तहसील बाघराय थाना क्षेत्र में एक पीड़ित के घर पर आए हैं, जिसके बच्चे का एक्सीडेंट पिछले साल हुआ था और यहाँ पर जो है पहुँचे प्रशासन के लोगों ने अंतिम संस्कार न करने की जिद पर अड़े पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की बात कह के प्रशासन के लोगों ने जो है इनके लड़के का अंतिम संस्कार करवाया था और आज तक इस गरीब परिवार को मुआवजे के नाम पर एक रुपये की राशि नहीं मिली। उस समय के तत्कालीन SDM मोहनलाल गुप्ता ने इनके परिवार को आश्वासन दिया था कि आपको जो है आपके बच्चे का मुआवजा मिलेगा जो है, तो हम उनके पास पहुँचे हैं और बात करते हैं। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनको मुआवजे के नाम पर प्रशासन द्वारा क्या कहा गया था और आज तक उनको एक रुपये क्यों आज तक उनको एक रुपये मिला या नहीं मिला। हाँ जी, क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए कि क्या हुआ था जो है, क्या है मामला पूरा बताएं। 9 दिसंबर को हमारे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। पिछले वर्ष जी, वो RKT इंटर कॉलेज में पढ़ता था, रमा पत्तेवारी के यहाँ। जी जी जी। तो उसमें अधिकारी लोग आए थे, तो उन्होंने मुआवजा देने के लिए कहा था। वो तो मैं मोहनलाल गुप्ता जी थे, उन्होंने कहा कि 5 लाख रुपये 2 बीघा जमीन, एक रहने के लिए आवास, इतना देने के लिए कहे थे। तब से हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, आज तक कुछ मिला नहीं है। आज तक मतलब मुआवजे के नाम पे आपको छोटी कौड़ी भी नहीं मिली? छोटी कौड़ी नहीं मिली। इसके लिए आपने कहीं जो है DM साहब को या जो है साहब को, SDM साहब को, तहसील दिवस में मुख्यमंत्री जी को, हर जगह मैंने अप्लीकेशन दिया, तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला जो जी। ये जो घर है, ये जो मतलब खनहनुमा घर है जी, ये आपका है? जी नहीं, ये भी हमारा नहीं है, दूसरे घर में रह रहे हैं। क्या नाम बताए थे? संतोष कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये बाघराय रोड के रहने वाले हैं। धन्यवाद।